पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बंद का आह्वान करते हुए शिव सैनिकों ने बाजार में घूमकर बाजार बंद कराया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए शिव सैनिकों का उबाल भी साफ नजर आया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में मुरादाबाद में जहां आतंकवाद का पुतला फूंका गया, वहीं जैश ए मोहम्मद का पुतला भी दहन किया गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संभलने की नसीहत भी दी गई। आतंकी घटना में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा में शहीद हुए CRPF के जवानों पर आतंकी हमला होने से पूरे देश में एक उबाल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे देश के 42 जवानों को शहीद कर दिया गया था। जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब सरकार को देना होगा। सैनिकों की शहादत को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही कड़ा फैसला लिया जाए। दो दिन पहले भी जिस तरह से प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं और आज एक बड़ी घटना फिर हुई कि आज भी हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग हुई और वो शहीद हुए। इस देश में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने सेना को खुली छूट दी। हम उनसे यही मांग करते हैं कि सेना की खुली छूट के साथ अब इस देश का हर भारतवासी ये चाहता है कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक तिरंगा फहराया जाए। हर देशवासी हर कुर्बानी देने को तैयार है। अब पाकिस्तान से किसी भी तरह की वार्ता करने के हम लोग किसी तरह से तैयार नहीं है। हम एक ही मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान से जंग हो और उस जंग में हमारे भारतीय जो सैनिक शहीद हैं वहाँ तक हमारे इस्लामाबाद से लाहौर तक हमारे तिरंगे झंडे फहराए जाए। और उसी मांग को लेकर आज भारत भी बंद हुआ, मुरादाबाद में भी जो शिवसेना ने कदम उठाया कल से बंद वाला, इसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया, समस्त पार्टियों ने दिया, समस्त धार्मिक लोगों ने। और जिस तरह से ये मुरादाबाद का अभूतपूर्व बंद रहा, उस तरह जो शिव सैनिक भाइयों ने और समस्त व्यापारिक बंधुओं ने जिस तरह से सड़कों पे आकर के समर्थन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद है। और हम लोग यही मांग करते हैं फिर से प्रधानमंत्री जी से कि शिवसेना के माध्यम से, मुरादाबाद शिवसेना के माध्यम से, कि अब ये लड़ाई में कोई भी वो नहीं, हर तरह की कुर्बानी देश का हर देशवासी देने को तैयार है। बस उसे एक ही बात चाहिए कि अब पाकिस्तान नहीं चाहिए, खून का बदला खून से, जय भवानी जय।